नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के फॉर्म फाइनल सबमिट प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए और वे जो है फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, उसका जो है आय प्रमाण पत्र पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप जो है किस प्रकार से घर बैठे यहाँ पर जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट कर पाएंगे। लगातार बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हमारा आय प्रमाण पत्र अभी भी पेंडिंग है, क्या हमारा फॉर्म का जो है यहाँ पर फाइनल सबमिट होगा या नहीं होगा। आपको जो है यहाँ पर फाइनल सबमिट भी करना है, लेकिन यहाँ पर बात रहे कि आपका फॉर्म का जो है रिसीविंग नहीं निकलेगा, आपका फॉर्म अंडर प्रोसेस चले जाएगा। किस प्रकार से जाएगा, कैसे जाता है, आपको लाइव प्रक्रिया यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करके और कैसे यहाँ पर जाता है, उसको आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टार एजुकेशन। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो स्क्रीन में हमने जो इस स्टूडेंट का दिखा रहा है आपको, यहाँ पर देखिए इसका जो है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट पेंडिंग है और यहाँ पर जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट ये भी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, यानी कि दोनों चीज़ यहाँ पर जो है पेंडिंग है। इसको जो है किस प्रकार से हम यहाँ पर जो है यानी कि फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ पर फाइनल सबमिट के बाद ये आपको दिखाएंगे क्या इसका जो है यहाँ पर रिसीविंग निकलता है या नहीं निकलता है जिसका पेंडिंग है, और यहाँ पर जो हम अंडर प्रोसेस का बात किए तो किस प्रकार से इसका फॉर्म फाइनल सबमिट करने के दौरान में अंडर प्रोसेस जाता है, लाइव प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट के साथ इस प्रकार का प्रॉब्लम फेस हो रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ, रेसिडेंस हो या इनकम हो या कास्ट हो या बैंक हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो है आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं। लाइव प्रक्रिया को देखने के लिए आप जो है बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे वेबसाइट में आ जाना है। आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बीसीईबीसी स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है लॉगिन इन एप्लीकेशन फॉर बीसीईबीसी स्टूडेंट। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसी ऑप्शंस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जो यूजर आईडी पासवर्ड आया हुआ है, यूजर आईडी पासवर्ड जो है सभी लगभग स्टूडेंट को आ चुका है, जिसका रिजेक्ट भी हुआ है या जिसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वैसे स्टूडेंट फाइनल सबमिट करने के लिए यहाँ पर अपना यूजर आईडी को फिल कीजिएगा। जो भी यूजर आईडी आया है उसको आप अच्छी तरह से यहाँ पर जो है डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड देख रहे हैं, इस कैप्चा कोड को उस बॉक्स में डालना है पासवर्ड, लेकिन ध्यान रहे जो पासवर्ड आपने बनाए हैं उस पासवर्ड को भी डालना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप नया पहली बार यहाँ पर जो है लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड भी बनाना होता है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करते हैं तो जो स्टूडेंट पासवर्ड क्रिएट कर चुके हैं तो उसको यहाँ पर डायरेक्टली डैशबोर्ड का यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा ऑप्शन सब। अगर यहाँ पर जो है जो नहीं बनाया तो उसको पहले पासवर्ड क्रिएट करना होगा, इस पर जो हमने अलग वीडियो बनाए हुए हैं चैनल पर मिल जाएगा, जाकर के आप देख लीजिएगा, फिर पासवर्ड भी चेंज कर लीजिएगा। हालांकि वेबसाइट थोड़ा स्लो है खुलने में, यहाँ पर ओपन होता है सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना होता है, उसके बाद अपडेट यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करना होता है। तो हम यहाँ पर तीनों चीज़ करके रखे हैं, उसका सीधा हम यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जो स्टूडेंट इतना करके रखे हैं, अगर नहीं किए हैं तो एक एक करके सबसे पहले कर लीजिएगा, पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सर्टिफिकेट डिटेल्स, उसके बाद फिर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में आइएगा, तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चलिए हम इस पर यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन सभी आपको डिटेल्स भर लेना है, इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ, हम यहाँ पर बताने वाले हैं कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल सबमिट किस प्रकार से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ को हमने फटाफट यहाँ पर भर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर इन तीनों चेकबॉक्स में मार्क लगा के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही आपकी स्क्रीन में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप जो है एक एक करके इन चेकबॉक्स जितना भी नंबर है, हालांकि इस पर वीडियो अलग से आएंगी क्योंकि इसको जो है समझना पड़ेगा आपको कौन रेनवल वाले कहाँ पर क्लिक करेंगे, फ्रेश वाले किसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि तो लगातार स्टूडेंट जो है जिसको मन तिसको जिधर तिधर और पूरा सिलेक्ट करते जा रहे हैं, तो इस पर जो है हम अलग अलग वीडियो लेके आएंगे। तो यहाँ पर देखिए इनमें जो है इस प्रकार से मार्क लगा लेना है, मार्क लगाने के बाद इसमें जो है आपको एक ओटीपी भेजना है, उसके बाद यहाँ पर भी जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके दोनों को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई होने के बाद अब नेक्स्ट का बटन पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा,
यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, सभी अगर पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं तो पीडीएफ का एक साइज बना लीजिएगा, 200, 300 या जो है आप 250 के भी का बनाना चाहते हैं सभी का पीडीएफ एक एक करके यहाँ पर बना लीजिएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको टेंथ का सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा। पीडीएफ फाइल आपने जिस भी स्थान पर बना के रखे हैं तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ से जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पीडीएफ मेरा इस स्टूडेंट का मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो है इस तरह से सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने ओपन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ फाइल आ चुका है। अब जो है आप टेंथ का सर्टिफिकेट यहाँ पर नंबर को फिल कीजिए, किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को यहाँ पर फिल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर टेंथ का जो है यहाँ पर मार्कशीट आपने अपलोड कर दिया है, इसके अलावा यहाँ पर पूछ रहा है लास्ट पासिंग एग्जाम, तो आपने इससे पहले कौन सा एग्जाम पास करके एडमिशन लिए हुए हैं तो आप यहाँ से जो है उसको भी अपलोड कर लीजिएगा। तो हमने इसका भी पीडीएफ बनाए हुए हैं, जो भी हमने क्लास पास आउट हुआ है मेरा स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर जो उसका मार्कशीट को सिलेक्ट किया, उसके बाद उसी नंबर को हमने यहाँ पर फिल करेंगे सर्टिफिकेट नंबर में। तो मैंने इस प्रकार से जो है सर्टिफिकेट नंबर को भी यहाँ से फिल कर लिया है, डेट वही है तो मैंने डेट को भी यहाँ से ठीक उसी तरह से मैंने यहाँ पर फिल कर लिया, ठीक है। फिल करने के बाद हम लोग अब आगे की प्रक्रिया को देखेंगे। बोनाफाइड सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जा रहा है तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर जो हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट को बना रखा है, आपने जो है अगर नहीं बनाया है तो आप भी जो है बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट इस प्रकार से देखने को मेरा मिल रहा है, तो मैंने इसको भी यहाँ से जो है यानी कि ये कर लेते हैं। तो मैंने इसका बोनाफाइड यहाँ से सेलेक्ट किया, ओपन पर क्लिक किया, बोनाफाइड भी आ चुका है। बोनाफाइड का कोई भी नंबर नहीं है तो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से दे दिए हैं, और इसमें जो है मैंने यहाँ पर जो इसका बोनाफाइड जो इशू हुआ है तो मैंने उस डेट को यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद जो है मैंने नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अगर आपने हॉस्टल में रहते हैं तो आपका हॉस्टल फ़ी सबको जो है मेंशन कर देना है, और फी रिसिप्ट क्या है दोनों को जो है मिला करके आपको यहाँ पर जो है पीडीएफ बना लेना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जहाँ पर भी उस फाइल को बना के रखे हैं दोनों पीडीएफ को मर्ज करके, अगर आपका हॉस्टल नहीं है तो सिर्फ आपको जो है यहाँ पर फी रिसीप्ट का ही आवश्यकता होगा, या जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है फी स्ट्रक्चर उसको भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने उसका यहाँ पर सीरियल नंबर को फिल करेंगे, तो यहाँ से जो है मैंने इसका सीरियल नंबर को भी डाल देंगे, तो जो भी आपका सीरियल नंबर रहेगा तो आप अपने अनुसार से यहाँ पर जो है उसको डाल दीजिएगा, किस डेट में इसका कटा है तो मैंने उस डेट को भी यहाँ से डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उस डेट को भी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर जो देखने को मिलता है फाइनल सबमिट का बटन, तो सिंपली आपको क्या करना है फाइनल सबमिट यहाँ पर करना है, तो मैंने यहाँ से फाइनल सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। ये यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो चुका है, पूरी तरह से प्रोसेस हो रहा है, वेबसाइट थोड़ा स्लो है इसलिए प्रोसेसिंग यहाँ पर लेने में समय लग रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड होना मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। पर बोला गया है योर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस, प्लीज वेट वेरिफिकेशन, आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आपको जो है यहाँ पर बैक आ जाना है, जितने भी पेंडिंग वाले का है इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। वैसे स्टूडेंट जो है यहाँ पर बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको जो है समय समय पर आप स्टेटस चेक करके देखते रहना है, सारा डिटेल्स को यहाँ पर जो है देख करके आप चेक करते रहिएगा, और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन होगा तो आप जो है डायरेक्टली चेक करके जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो है पेंडिंग वाले का प्रोसेस था, किस प्रकार से यहाँ पर जो है फॉर्म को आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि लोगों का फॉर्म डायरेक्टली फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, अंडर प्रोसेस में चले जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि उन लोगों का अभी भी यहाँ पर जो है पेंडिंग होने के कारण अंडर प्रोसेस भेज दिया जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट का यहाँ पर जो है इस प्रकार से देखने को आपको मिल जाएगा।